नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज का सीजन स्टार्ट करते हैं। आज का सीजन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस सीजन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर। जी हाँ दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर ये पेपर देख रहे हैं, ये पेपर इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर है। सोल्जर जीडी का असम रेजिमेंट सेंटर शिलोंग का पेपर है। अगर आप भी आर्मी की तैयारी करते हैं तो आज का ये सीजन आपके लिए है। इसमें आपको देखना है कि इंडियन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में जीके के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं और सेक्शन ए हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए इनको स्लाइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर ही हम डिस्कस करेंगे। ये जो सेम पेपर है, इन सभी को, इनके जितने भी क्वेश्चन है, स्लाइड के अंदर कन्वर्ट कर दिए हैं। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर एक, भारत सन में स्वतंत्र हुआ। भारत किस सन में स्वतंत्र हुआ था? चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1947। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करते चलना है। देखना है कि आप इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और ये जो पेपर आया था, ये थोड़ा सा आसान आया था भाई। क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछा कि आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए एस सी बोस, ऑप्शन बी बकीम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ चटर्जी। तो क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बकीम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बकीम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, झारखंड राज्य की राजधानी है, झारखंड राज्य की राजधानी है ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रांची। झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी है? रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर आपसे पूछा गया था कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी बीवी गिरी। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे पूछा गया था कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी नेपाल। क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हॉकी। ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन भारत के लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? भारत के किस व्यक्ति को लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट आपसे पूछा गया कि भारत के राष्ट्र ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? भारत के राष्ट्र ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी बलिदान, ऑप्शन सी सुरता, ऑप्शन डी धरती से संबंध तथा समृद्धि। क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्र ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? धरती से संबंध तथा समृद्धि से प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? कौन सा वेद सबसे प्राचीन है?
चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी गंडक। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यमुना। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए बेरन कार्ल, ऑप्शन बी जेम्स रिटी, ऑप्शन सी डनलप, ऑप्शन डी फ्रैंकलिन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बेरन कार्ल फोन ड्रेविस ने किया था। किसने किया था? साइकिल का आविष्कार किया था बेरन फोन ड्रेविस ने किया था। किसने किया था? बेरन कार्ल फोन ड्रेविस ने। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक साइकिल का, तो आपको पता है किसने किया था? मैकमिलन। मैकमिलन, यहां अगर मैकमिलन होता ऑप्शन में तो मैकमिलन करते, लेकिन मैकमिलन नहीं है। तो साइकिल का जो सबसे पहले आविष्कार किया था वो किसने किया था? बेरन कार्ल फोन ड्रेविस ने किया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी अनाई मुडी, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कंचनजंगा। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी, शेरशाह सूरी और अकबर, अकबर और हेमू, महाराणा प्रताप और बाबर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए अल्बाट्रोस, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी ईमू। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग। ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी यह आपसे पूछा है। ऑप्शन ए जे जे थॉमसन, ऑप्शन बी डी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जे केपलर, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जे जे थॉमसन। तो आज के इस सीजन में हमने सेक्शन ए के जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस किए हैं। आप कमेंट करके बताएं कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। और ये जो आर्मी का ओरिजिनल पेपर है ये थोड़ा सा इजी लेवल का बोल सकता हूं, आसान आया था थोड़ा सा। तो आप कमेंट करके बताएं कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100, इस नंबर पर आप मैसेज कर दें। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी। उम्मीद करता हूं भाई आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर किसी टॉपिक पर स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो। उम्मीद करता हूं भाई सेशन को सभी के सभी भाई शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।